अरे यार, मैं तो फिर से लेट हो गया ट्यूशन के लिए। सारे बच्चे आ गए होंगे और यहाँ पर तो मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं। चलो फटाफट से जाता हूँ यार, इनका ट्यूशन भी स्टार्ट करना है। और बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तुम लोग सब टाइम पर आए हो। और एक मिनट, अबे स्पाइडरमैन, ये तू साथ में किसको लेकर आया है? अरे फ्रैंकलिन सर, यार ये मेरी किरण है, आज ये भी हमारे साथ ट्यूशन में पढ़ेगी। अबे स्पाइडरमैन यार, तू अपनी गर्लफ्रेंड को भी उठा लाया, क्या ही बोलू तुझे। छोड़ो गाइस, यार यहाँ पर सारे के सारे मेरे स्टूडेंट तो आ चुके हैं। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हारा अटेंडेंस लूंगा, एक एक करके अपना प्रेजेंट एब्सेंट बोलना। सो सबसे पहले सिंचन। अरे प्रेजेंट सर। ऑगी। अरे फ्रैंकलिन सर, यार मैं भी आया हूँ। उड़ी बाबा। उड़ी बाबा जी, मैं भी प्रेजेंट है। वैनम। अरे डस लूंगा। अबे कलुए, मैं भी आया हूँ। अबे वैनम, तेरी ऐसी की तैसी अपने सर को कोई ऐसे बोलता है, तुझे तो बाद में देखता हूँ। और बेटे पेनीवाइज। अरे प्रेजेंट सर, मैं भी आया हूँ। आयरन मैन। और फ्रैंकलिन ब्रो, मैं भी आया हूँ प्रेजेंट। और स्पाइडरमैन। अरे सर, मैं भी आया हूँ। और मेरी किरण भी आई है। हाँ स्पाइडरमैन, पता है तेरी किरण आई है। और बेटे हल्क। हल्क भी प्रेजेंट है। हल्क प्रेजेंट। तो बच्चों, इसी के साथ मैंने तुम्हारा अटेंडेंस तो ले लिया है। और बच्चों, तुम्हारे लिए खास सरप्राइज है आज। आज तुम लोग ये बाजू में जो लकी ब्लॉक्स देख रहे हो ना, इसको तुम्हें खोलने का मौका मिलेगा। और इस लकी ब्लॉक्स में से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन ये लकी ब्लॉक्स का खोलने का मौका तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम लोग सारे सवालों का सही जवाब दोगे। और उससे पहले मैं तुम लोगों का होमवर्क चेक करने आ रहा हूँ, और जिसका भी होमवर्क कंप्लीट होगा सिर्फ उसी को मिलेगा। तो सबसे पहले शिनचैन, दिखा तेरा होमवर्क कहाँ है। अरे फ्रैंकलिन सर, यार मैंने होमवर्क किया था, लेकिन जो होमवर्क की बुक है ना, वो कौवा लेके भाग गया, क्योंकि मेरी होमवर्क की बुक भीग गई थी, तो उसको सुखाने के लिए मैंने टेरिस पे रखी थी और उसको लेके कौवा भाग गया। वाह बेटे शिनचैन, क्या बहाना है। इधर को आ, तेरे को अभी पनिशमेंट देता हूँ। चल यहाँ पे सीट अप मारना चालू कर, और अगर तू रुका तो तुझे यही बेसबॉल से फोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन सर, मारना मत रुको, अभी करता हूँ। ये देखो मैंने सीट अप मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे कब तक मारना है? जब तक मैं रुकने ना बोलूं तब तक। चलो गाइस, यार सीट अप तो मारा, फटाफट से जाके ओगी का होमवर्क चेक कर लेता हूँ। और बेटे ओगी, होमवर्क तूने किया है कि नहीं? अरे फ्रैंकलिन सर, यार मैं हमेशा की तरह अपना होमवर्क करके आया हूँ, ये देखो। बहुत बढ़िया बेटे ओगी, हमेशा की तरह, यार तू तो हमेशा होमवर्क करके आया। चल इधर को आजा बेटे ओगी, अभी तुझे यहाँ पर एक लकी ब्लॉक्स गिरेगा ऊपर से, और तुझे उसको फोड़ने का मौका मिलेगा। अरे फ्रैंकलिन सर, वो देखो ऊपर से इतना बड़ा लकी ब्लॉक्स बरसा। हाँ हाँ शिनचैन, वो तो मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन ये लकी ब्लॉक सिर्फ ओगी खोलेगा, क्योंकि वही होमवर्क करके आया। जा बेटे ओगी, फटाफट से लकी ब्लॉक्स खोल। अरे थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन सर, अभी फटाक से जाके खोलता हूँ। ये लकी ब्लॉक्स तो काफी ज्यादा बड़ा है, ये मैं लात मार रहा हूँ लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है। अरे खुल जा सिम सिम, ये मैंने दो तीन लात और मारी। अरे बाप रे बाप, इसमें से तो यहाँ पर मस्त वाली हेलीकॉप्टर निकल गई। अरे मजा आ गया, मैं इसमें अपने भैया जैक को घुमाऊंगा, रुको इसको एक राइड लेकर आता हूँ। अरे वाह, ये हेलीकॉप्टर तो कितनी ज्यादा मस्त है, और ये हवा में भी कितनी ज्यादा मस्त उड़ रही है, मजा आ गया। अरे बेटे ओके, हेलीकॉप्टर उड़ा के घर मत चले जाना, फटाफट से नीचे आ जा। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। चलो गाइस, यार यहाँ पर ऑगी का तो होमवर्क चेक कर लिया, बाकियों का चेक करते हैं। और वैनम, तू होमवर्क करके आया कि नहीं? अरे डस लूंगा। अबे कलुए, तुझे कितनी बार बोलूं, मेरे पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है, मैं तो कचरे में रहता हूँ, इसके लिए होमवर्क करके नहीं आया। अच्छा बेटे वैनम, एक और नया बहाना, अभी तुझे पनिशमेंट देता हूँ। वैनम तेरी पनिशमेंट ये की तुझे अभी पुशअप मारना पड़ेंगे, वो भी जब तक मैं ना बोलूं रुकने के लिए तब तक तुझे मारना। अरे फ्रैंकलिन सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पुशअप तो मैं रोज मारता हूँ, ये देखो कितनी आसान तरीके से मार रहा हूँ, और मैं तो रुकूंगा भी नहीं, पुशअप मारने से तो मेरी बॉडी बनेगी, अरे सबको डस लूंगा। हाँ इसी तरीके से पुशअप मारते रहे, और तुम दोनों अपनी पनिशमेंट रुकने नहीं चाहिए, वरना दोनों को इसी मोटे डंडे से मारूंगा। और गाइस यार, मुझे तो लगता नहीं कि बाकी लोग भी होमवर्क करके नहीं आए, एक ही बार बोल देता हूँ, तुम लोग जितने भी बचे उनमें से जो भी होमवर्क करके नहीं आया वो फटाफट जाके वैनम और शिनचैन के पास खड़े हो जाओ। और गाइस यार, यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो आयरन मैन को छोड़ के बाकी सब बाहर आ चुके हैं, मतलब यार ये सब ने होमवर्क नहीं किया, और यहाँ पर आयरन मैन कहीं झूठ तो नहीं बोला। चलो फटाफट उसका जाके होमवर्क देखते हैं। और बेटे आयरन मैन, तेरा होमवर्क किधर है? अरे फ्रैंकलिन सर, यार ये रहा डेस्क में पड़ा होमवर्क, चेक कर लो, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। हाँ बेटे आयरन मैन, तू होमवर्क तो अच्छे से करके आया। चल तुझे भी अभी एक मौका मिलेगा लकी ब्लॉक्स फोड़ने का, अभी देख यहीं पर एक लकी ब्लॉक्स बरस,
सकता और उसे फटाफट जाके फोड़। और फ्रैंकलिन सर यार ये लकी ब्लॉक्स तो आपके ऊपर ही गिर गया, अरे आप तो नीचे ही दब गए, आप ठीक तो हो ना? और गाइस यार इतना बड़ा लकी ब्लॉक्स मेरे ऊपर गिर गया, मेरी तो चटनी बन गई। ये सब छोड़, आयरन मैन फटाफट से लकी ब्लॉक्स खोल। और हाँ फ्रैंकलिन सर यार मैं लकी ब्लॉक्स खोल रहा हूँ लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। अरे खुल गया, इसमें से तो ये फोर्ड मस्टैंग वाली गाड़ी निकल गई, ये तो काफी ज्यादा मस्त है, वो भी गोल्डन कलर की। इसको तो मैं अपने जारविस के पास लेकर जाऊंगा। और गाइस यार यहाँ पर तो आयरन मैन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक अमेजिंग कार निकल गई है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। यार ये लकी ब्लॉक्स में से तो कमाल कमाल की चीजें निकल रही है। चलो यहाँ पर तो आयरन मैन को इनाम मिल गया, बाकियों को प्रसाद देकर आता हूँ। और बेटे तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया, तुम लोग को बताओ क्या पनिशमेंट दूं? अरे फ्रैंकलिन सर यार इस बार छोड़ दो, हम लोग नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके आएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं, कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट तुम्हें देनी होगी। गाइस यार क्या पनिशमेंट दूं? हाँ एक मिनट, अभी मैं गाना लगाऊंगा और तुम सबको उस गाने पर ठुमक ठुमक के नाचना है। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आई यू फाइन। और गाइस यार ये लोग का डांस देखकर तो मजा ही आ गया। गाइस यार कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा डांस किसका लगा। चलो नाचना बंद करो, सब लोग फटाफट अपनी बेंच पर जाके बैठ जाओ। अब मैं तुम सबका है ना क्लास टेस्ट लूंगा और जिसका भी सही जवाब निकलेगा उसको एक एक करके मौका मिलेगा लकी ब्लॉक्स फोड़ने का। तो एकदम सही सही जवाब देना। तो सबसे पहले सिंचन तेरे से सवाल पूछूंगा। अरे हैं फ्रैंकलिन सर पूछे पूछे, मुझे तो सारे सवालों के जवाब आते हैं और मुझे तो लकी ब्लॉक्स भी फोड़ना है क्योंकि मैंने अब तक एक भी नहीं फोड़ा। पूछो क्या पूछोगे? हाँ सिंचन रुक, अभी पूछता हूँ, तू तो कुछ ज्यादा एक्साइट है। तो तू सिंचन ये बता कि 2+2 कितना होता है? अरे फ्रैंकलिन सर मुझे इसका आंसर आता है, रुक अभी बताता हूँ। 2+2 मतलब 1+1, 2+2 3+1 3, हाँ इसका आंसर है 7। अबे सिंचन क्या बकवास कर रहा है तू, तू मेरे ट्यूशन में तुझे पढ़ाने का क्या फायदा जब तुझे इतने इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। गाइस यार आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 2+2 कितना होता है और जिसका भी राइट आंसर होगा उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। ये तो यार सिंचन को कुछ भी नहीं आता। चलो फटाफट से जाके ऑगी से पूछते हैं, ऑगी हमारा ब्राइट स्टूडेंट है। ऑगी बेटे तो तेरे लिए क्वेश्चन ये है कि तू ये बता कि ब्लू कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे फ्रैंकलिन सर यार इसका आंसर तो मुझे आता है, ब्लू कलर को हिंदी में बोलते हैं नीला, जो कि बिल्कुल मेरी तरह होता है, मैं भी नीले रंग का ही हूँ। अरे वाह यार ओगी तूने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। जा ओगी तुझे अभी मौका मिलेगा एक लकी ब्लॉक्स फोड़ने का। और गाइस यार यहाँ पर ओगी आ चुका जहाँ पे लकी ब्लॉक्स बरसने वाला है और यहाँ पर ऊपर से लकी ब्लॉक्स गिरा जो कि काफी ज्यादा छोटा है और उसके ऊपर कुछ फोटो वोटो लगा है। और यहाँ पर ओगी उस लकी ब्लॉक्स को मार रहा है और भाई साहब यार यहाँ पर इसने फोड़ दिया और क्या ही मस्त वाली सुपर बाइक निकल चुकी है जो कि बुगाटी की बाइक लग रही है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर इसको ओगी चलाते हुए पता नहीं कहाँ जा रहा है और देखने में ये बाइक काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। अरे वाह क्या मस्त सुपर बाइक निकल गई है, इस बाइक पे तो मैं अपनी ओलिविया को बिठा के घूमने लेके जाऊंगा रोज गार्डन में, मजा आ गया। और गाइस यार यहाँ पर तो ओगी कुछ ज्यादा ही खुश है। चलो फटाफट जाके उड़ी बाबा से क्वेश्चन पूछते हैं। उड़ी बाबा से क्या पूछू? हाँ तो उड़ी बाबा ये बता कि इंडिया का कैपिटल क्या है? उड़ी बाबा जी मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने इतना खतरनाक क्वेश्चन कभी नहीं सुना जी, लेकिन फिर भी रुको मैं बता देता हूँ, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। उड़ी बाबा। हाँ उड़ी बाबा बिल्कुल सही जवाब, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। जा उड़ी बाबा तुझे भी अभी एक लकी ब्लॉक्स फोड़ने का मौका मिलेगा। और गाइस यार यहाँ पर एक ऊपर से लकी ब्लॉक्स बरसा और यहाँ पर उड़ी बाबा ने उसको फोड़ दिया और भाई से भी यार फोड़ते उसमें से तो नीले कलर की बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली हेलीकॉप्टर निकल गई है जो की बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रही है। और यहाँ पर उड़ी बाबा उस हेलीकॉप्टर को लेके उड़ रहा है। अबे उड़ी बाबा तुझे उड़ाने तो आती है ना ठीक से? उड़ी बाबा जी मेरे को सिर्फ उड़ानी आती है, लैंड करनी नहीं, यहाँ पर मैं कूद गया जी, अभी मैंने पैराशूट भी खोल दिया, अभी देखो मेरा परफेक्ट वाला लैंडिंग, ये क्या जी मैं तो मुंह के बिल गिर गया उड़ी बाबा। और गाइस यार यहाँ पर तो उड़ी बाबा ने अपनी बेइज्जती करा दी। चलो फटाफट अब जाके वैनम से क्वेश्चन पूछते हैं। और वैनम से तो यार मुझे थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा डब्बा स्टूडेंट है मेरे ट्यूशन का। अरे डस लूंगा, अबे कल वो डब्बा स्टूडेंट किसको बोला? चल तू एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछ, उसका आंसर मैं बिल्कुल सही दूंगा। अच्छा बेटे वैनम इतना घमंड है तुझे, रुक तुझे अभी पूछता हूँ। तो बेटे वैनम तो ये बता कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? अरे डस लूंगा, अबे कलुए ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया तूने, ये तो मुझे आता है, इंडिया का नेशनल गेम है फ्री फायर। क्यों मैंने बिल्कुल सही बोला ना? अबे वैनम तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या, कुछ भी बोलता है, ये ले मेरा चाटा खा। एक तो इतना एटीट्यूड दिखाता है और इतने इजी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता। गाइस यार आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इंडिया का
इंटरनेशनल गेम कौन सा है। आप लोग भी ये वैनम की तरह यार पबजी फ्री फायर मत लिखना, एकदम राइट जवाब देना। चलो फटाफट जाके पेनीवाइज से पूछते हैं। तो बेटे पेनीवाइज तो ये बता कि जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा फास्ट एनिमल में दौड़ सकता है। अरे फ्रैंकलिन सर इसका आंसर तो मुझे आता है, रुको अभी बताता हूँ। जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है उसको बोलते हैं डोंकी, यानी कि गधा। अब पेनीवाइज तू थोड़ा सा गधा वधा है क्या, कुछ भी बोल रहा है। गाइस यार आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि यार सबसे दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है। ये पेनीवाइज तो एक नंबर का गधा है, इसको छोड़ो जाके फटाफट से चलो आयरन मैन से पूछते हैं। और गाइस यार आयरन मैन तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है, इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो बेटे आयरन मैन तो ये बता कि बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था। अरे फ्रैंकलिन ब्रो यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्ब का इन्वेंशन तो मेरे पापा ने किया था, हार्वर्ड स्टॉक ने। अबे आयरन मैन क्या कुछ भी बोल रहा है, तुझे भी नहीं आता, मुझे तो लगा था तुझे इसका आंसर आता होगा। गाइस यार आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था। इसको छोड़ो चलो फटाफट स्पाइडरमैन से जाके पूछते हैं। और स्पाइडरमैन से तो थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट है। तो स्पाइडरमैन तो ये बता कि हाथी के कितने दांत होते हैं। अरे फ्रैंकलिन ब्रो यार इसका आंसर मुझे आता है, रुको अभी बताता हूं। हाथी के टोटल 2 दांत होते हैं। अरे वाह यार स्पाइडरमैन तूने बिल्कुल सही जवाब दिया, जा फटाफट से तुझे भी एक लकी ब्लॉक्स खोलने का मौका मिलता है। और गाइस यार यहां पर स्पाइडरमैन ने लकी ब्लॉक्स खोलने आ गया है और यहां पर बाप रे बाप इतना बड़ा लकी ब्लॉक्स मिला इसको तो खोलने के लिए। और यहां पर स्पाइडरमैन ने लकी ब्लॉक्स खोला और भाई साहब यार उसमें से तो ये पीली कलर की ओपन वाली कोई तगड़ी कार निकल गई है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। और यार इसको तो स्पाइडरमैन क्या ही घुमा रहा है। अरे वाह ये कार कितनी मस्त है, इस कार में मैं और किरण जाएंगे घूमने। तो गाइस यार यहां पर स्पाइडरमैन तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। चलो फटाफट से जाके हल्क से क्वेश्चन पूछते हैं। और यार हल्क से क्या पूछूं। हां तो बेटे हल्क तू 2 की स्पेलिंग बता दे। हल्क को 2 की स्पेलिंग आती है TWO2। अरे वाह यार हल्क तूने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, जा तुझे भी मौका मिलता है लकी ब्लॉक्स फोड़ने का। और गाइस यार यहां पर हल्क आ चुका और ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा छोटा वाला लकी ब्लॉक्स गिरा और यहां पर हल्क उसको फोड़ने के लिए जा रहा है। और हल्क के सामने तो कितना छोटा था, हल्क ने एक ही लात मारा और उसमें से कार निकल गई और गाड़ी का कांच भी टूट गया क्योंकि यार हल्क के अंदर ताकत ही इतनी ज्यादा है। और आप लोग कार देख सकते हैं यार क्या ही मस्त निकली, एकदम ब्लैक कलर की एकदम क्लासिक कार निकली है। और यहाँ पर हल्क तो कुछ ज्यादा ही खुश होगा। हल्क को मजा आ गया इस कार में, हल्क और लकी ब्लॉक्स खोलने हैं। ओके सो गाइस यार यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर पूछ लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर नहीं आए तो उनके लिए भी एक मौका है। अभी स्टूडेंट में तुम लोग में से ना एक एक करके क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब मैं यहीं से खड़े होकर क्वेश्चन पूछूंगा और जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको फटाक से जवाब देना है। और जो भी राइट जवाब देगा उसको मौका मिलेगा लकी ब्लॉक्स खोलने का। अरे वाह फ्रैंकलिन सर ये हुई ना बात, अब शायद मुझे मौका मिल जाएगा लकी ब्लॉक्स खोलने का, पूछो पूछो। हाँ तो बच्चों तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि 1 की स्पेलिंग बताओ। अरे फ्रैंकलिन सर इसका आंसर मुझे आता है ONE, ये देखो मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया, अब मैं जा रहा फटाफट से लकी ब्लॉक्स खोलने। अरे ये लकी ब्लॉक्स बरस क्यों नहीं रहा, अच्छा बरस गया, इस लकी ब्लॉक्स में तो हल्का फोटो है, अभी रुको फटाफट से खोलता हूँ। अरे मैंने खोला, अरे इसमें से तो ये पुलिस की कार निकल गई। अरे फ्रैंकलिन सर मुझे दूसरा लकी ब्लॉक्स चाहिए, मैं ये कार नहीं लेकर जाऊंगा, मुझे पुलिस की कार नहीं पसंद। अबे शिनचैन यार सबको एक एक ही लकी ब्लॉक्स फोड़ने का मौका मिल रहा है, तुझे कहां से 2 ला कर दूं। चल अब देखते तेरे नसीब में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। और गाइस यार यहां पर तो ऊपर से एक और लकी ब्लॉक्स बरस गया, अब देखते शिनचैन को इसमें से क्या निकलता है। और यहां पर शिनचैन यहां पर मार रहा और मारते इसमें से तो एक तगड़ी वाली कार निकल गई जो कि ग्रे कलर की सुपर कार है। और यहाँ पर सिंचन उस कार को ले ली और चला के एंजॉय कर रहा है। और बताया सिंचन कार कैसी है। अरे फ्रैंकलिन सर यार मजा आ गया, वो पुलिस वाली कार से तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, अभी इस कार में मैं रोज घूमने जाऊंगा और चौको भी खाऊंगा और नैने को दीदी को भी घुमाऊंगा, मजा आएगा। अच्छा तो बच्चों तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन ये है, अरे गाइस यार ये ट्यूशन के बीच में कौन आ गया और मुझे मारा तेरी ऐसी किता से, ये ले बेटे मार का, यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा और बीच में आके तमाशा कर रहा है। और गाइस यार यहाँ पर तो मैंने इसको कूट दिया। चलो बच्चों तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि हम लोग रेनकोट कौन से सीजन में यूज करते हैं। अरे फ्रैंकलिन सर मैं बताता हूँ, हम लोग रेनकोट ना समर सीजन में यूज करते हैं। अरे फ्रैंकलिन सर मैं बताता हूँ, रेनकोट को बारिश के सीजन में यूज करते हैं, यानी कि मॉनसून में। बिल्कुल सही जवाब पेनीवाइज, तुझे मौका मिलता है लकी ब्लॉक्स फोड़ने का। और भाई साहब यार ऊपर से इतना बड़ा लकी ब्लॉक्स बरसा है क्या ही बोलूं। और गाइस यार बहुत ही ज्यादा बड़ा है लकी ब्लॉक्स और इस लकी ब्लॉक्स पे सब्सक्राइब का बटन भी लगा हुआ है, तो फटाफट से आप लोग भी नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो। और यहाँ पर पेनीवाइज ने खोला और यार उसमें से तो तगड़ी सी बाइक निकल गई जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। और यहाँ पर ये पेनीवाइज बाइक को लेकर गोल गोल घुमा रहा है। अबे पेनीवाइज तुझे बाइक वाइक चलानी तो आती।
होती है ना। अरे फ्रैंकलिन सर मैं एकदम प्रो हूँ, ये देखो मेरा जंप। अरे ये क्या, मेरी बाइक तो पानी में धस गई, मैंने तो अपनी बेइज्जती करवा ली। और गाइस यार वहां पर तो पेनीवाइज तो अपनी बेइज्जती करा ली। छोड़ो इसको, बच्चों से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों ये तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी मौका है लकी ब्लॉक्स फोड़ने का। तो बच्चों ये बताओ कि समोसा कौन से शेप का होता है। उड़ी बाबा जी, समोसा तो ट्राइंगल शेप का होता है। उड़ी बाबा, बिल्कुल सही जवाब उड़ी बाबा। और गाइस यार यहाँ पर उड़ी बाबा लकी ब्लॉक्स को फोड़ने के लिए आ चुका है और यहाँ पर ये लकी ब्लॉक्स को मारे जा रहा है, लेकिन लकी ब्लॉक्स फूटने की वजह और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है। अब यार तो जोर से मार। और यहाँ पर उड़ी बाबा ने जोर से लात मारी और भाई साहब यार इसमें से तो अब तक की सबसे तगड़ी वाली सुपर कार निकल गई, ब्लैक कलर की, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। और इसके दो टायर तो बाहर से लगे हुए हैं। यार ये कितनी ज्यादा मस्त कार है। और यहाँ पर उड़ी बाबा की तो यार लॉटरी लग गई। फ्रैंकलिन सर और क्वेश्चन पूछो ना, मुझे भी लकी ब्लॉक्स फोड़ने हैं। नहीं शिनचैन यार बहुत पूछ लिए। गाइस यार अब मैं जाके फोड़ूंगा लकी ब्लॉक्स। और बाप रे बाप यहाँ पर तो इतना बड़ा लकी ब्लॉक्स है, रुको इसको फटाफट से फोड़ लेता। और यहाँ पर मैंने अपनी गन निकाली, ये मारा और भाई साहब यार फोड़ तो यहाँ पर तो 300 गॉड हल्क आ गए। अरे भागो वरना ये तो हमारी चटनी बना देगा। किसने मुझे जगाया, उसको तो छोड़ूंगा नहीं, आज सबको फोड़ के रख दूंगा। हल्क सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर, कहाँ गया फ्रैंकलिन का बच्चा, ये रहा, भागता किधर है, बहुत कुछ चलाने का शौक है ना, ये ले पटक के मारा, क्यों मजा आया ना। और व्यूअर्स अगर तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुमको भी फोड़ दूंगा, फटाफट से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो और जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसके बिल्कुल राइट जवाब देना वरना सबको मारूंगा। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और इस फ्रैंकलिन को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं।